जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आऊँ आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। 29 मई 2019 चुनाव के बाद की सबसे बड़ी खबर है। वेतन भी आपका बढ़ाया गया, साथ में मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान दोस्तों हो चुका, बड़ा मानदेय आपका जल्द होगा आना शुरू। तो दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाला है आपका मानदेय कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अब आपको मिलने वाला है 18,000 रुपये मंथली के साथ में 6,000 रुपये आपको पेंशन भी मिलने वाली है। अच्छे दिन दोस्तों आपके शुरू हो चुके, सभी आशा बहनों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले, साथ में वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए। साथ में दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित कोई भी न्यू अपडेट आती है, नोटिस आता है, तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते, चाहे वो किसी भी राज्य और किसी भी स्टेट की कोई भी न्यूज हो तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान है। महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने आशाओं को जो आशाओं हैं उनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर तोहफे की बौछार की। तो कौन सा तोहफा आपको मिलने वाला मैं बता देता हूँ। जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उसने आशा कार्यकर्ताओं को सालाना परिश्रमिक 5 से बढ़ाकर अब आपको 17,000 रुपये पर मंथली मिलने वाले हैं। साथ में दाइयों का यह मानदेय 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये महीना करने की घोषणा की गई। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और वजन तोलने की मशीन भी वितरित की जाएगी। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है, आशा बहनों के लिए साथ में बहुत ही अच्छी न्यूज है, मैं बता देता हूं सारी। तो यहां आप देख सकते हो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, जानिए आशा बहू की अब कितनी होगी सैलरी। तो यहां आप देख सकते हो आशा बहू का नए नियम के अनुसार आपको प्रतिमाह कम से कम 1,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य योजनाओं को क्रियान्वयन के बदले मिलने वाली धनराशि भी अब आपसे 1.5 से लेकर 2 गुनी हो गई है। मैं बता देता हूँ टीकाकरण व गर्भवती माताओं को सुविधाएं देने पर पहले आशा बहुओं को 150 रुपये मिलते रहते, लेकिन अब ये बढ़ाकर आपके 200 रुपये कर दिए गए। ब्लॉक स्तरीय मीटिंग में शामिल होने पर भी आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, साथ में अब 150 रुपये अलग से और मिलने वाले। गाँव में किशोरियों व गर्भवती महिलाओं की बैठक पर अब प्रतिमा आपको 150 रुपये इस बार मिलने वाले। अभिलेखों के रख रखाव अपडेट रखने पर 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, पहले ये धनराशि आपको 750 रुपये ही थी। इन चारों को मिलाकर 1,000 रुपये आपको प्रतिमाह सीधे उनके अकाउंट में पहुंचने वाले हैं। टीबी मरीज को जो दवा खिलवाने पर 250 से 2500 रुपये पहले इन्हें मिलता था, अब इन्हें 1,000 से 5,000 रुपये मिलेगा। जो कुष्ठ रोगी है उनका इलाज कराने पर भी इनको एक्स्ट्रा रुपये मिलने वाले। तो इस प्रकार आपकी सैलरी जुड़ के 17-18 हज़ार रुपये मंथली आपकी सैलरी जो है वो मिलने वाली है। साथ में बता देता हूँ आपको इस बार पेंशन भी मिलने वाली है। रिटायर्ड होने वाली आशा बहुओं के लिए 6,000 रुपये मंथली मोदी सरकार ने पेंशन भी कर दी है। इसके अलावा तो यहाँ आप देख सकते हो आशा बहुओं का कमीशन भी इस बार बढ़ा दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। आशा जो कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया गया है। इसी दौरान अगर गौरतलब है कि आशा बहू को कोई भी फिकर मानदेय प्रतिमा नहीं मिलता था, आशा बहू को प्रति केस राशि मिलती थी, यानी एक डिलीवरी कराने पर उनको कम से कम 500 रुपये मिलते थे। पहले जहाँ एक गर्भवती महिला के पास में 42 दिनों में 6 बार आशा वर्कर्स को जाना होता था, वही अब 11 महीने में 15 बार बच्चे और प्रसूति के घर जाएगी। इस तरह प्रति विजिट आपको 500 रुपये मिलेंगे, पहले उसे प्रति प्रसूता 3,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब प्रति प्रसूता आपको 7500 रुपये इस बार मिलने वाले। आशा कार्यकर्ता जितने ज़्यादा केसेज करेगी उसे उतना ही कमीशन इस बार मिलने वाला है, इससे राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम को मदद मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है मोदी सरकार का, ये आपके अकाउंट में 1 जून से आना शुरू हो जाएंगे। लगभग आपके 17 से 18 हज़ार रुपये आपको मंथली मिलने वाला है, साथ में आप रिटायर्ड हो जाओगे तो भी आपको 6,000 रुपये मंथली सैलरी मिलने वाली है। तो अब मैं बता देता हूं आपके अच्छे दिन आने शुरू हो गए। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों किसी भी राज्य और किसी भी शहर से कोई भी न्यूज आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते, आशा कार्यकर्ता और
आंगनबाड़ी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो भी हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाल जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उससे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।